हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ एग्जाम प्रेप। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीयूईटी का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो रिवीजन के लिए हमने एक सीरीज लॉन्च की है। तो आज हम उस सीरीज में जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो सीयूईटी में पहले आए। उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन और आप रिवाइज कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीयूईटी दोगे तो उसमें वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो कुछ तो सीयूईटी के क्वेश्चन है, कुछ मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस डाले हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, साथ में जो भी आपके पास मटेरियल है, और आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप सीयूईटी समर्थ के साथ जुड़ सकते हैं अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम हमारी सीरीज का। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और हमें पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मीन्स कि कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या डेफिनेशन यूज करते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो भी हमारी लिमिट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? फंक्शन के इक्वल। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे हम लिमिट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अब डिसकंटिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है? तो कंटिन्यूटी से उल्टी चीज हम पढ़ेंगे, जैसे या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करें, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, या लिमिट एग्जिस्ट मतलब डिफाइन ना हो, जैसे कि इंफिनिटी आ जाए लिमिट, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम हमारे डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर वन तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू लेगा? वो वैल्यू लेगा जीरो। इसी तरीके से अगर 1 से 2 तक x की वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू लेगा 1। इसी तरीके से अगर 2 से 3 के बीच में है x की वैल्यू तो वैल्यू लेगा 2। नेगेटिव साइड कुछ वैल्यूज को चेक करते हैं, जैसे अगर -1 से 0 के बीच में अगर x की वैल्यूज आ रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू लेगा? -1। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से वैल्यूज लेता है? जो हमारे रियल लाइन पे, रियल लाइन पे जो भी वैल्यूज है उसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है, वही होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे 0, 1, 2, ये सपोज -1 है, ये है -2, तो हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं। सपोज -2 से -1 के बीच में एक वैल्यू आ रही है -1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -2। -1.5 के लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर आएगा वही होगी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी -2, तो इसी तरीके से ये फंक्शन वैल्यू लेता जाएगा। अब चेक करेंगे लिमिट्स को, किन पॉइंट्स पे? जो जिन पॉइंट्स पे हमारी ब्रांचेस ब्रेक हो रही है, हमारी जो ब्रांचेस है वो किन पॉइंट्स पे ब्रेक हो रही है? इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स पे चेक करेंगे हम डिसकंटिन्यूटी। क्यों क्यों चेक करेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे अगर -1 से 0 ले लेते हैं तो फंक्शन क्या है? कॉन्स्टेंट, और वैल्यू क्या है? -1। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो बीच में तो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने की कोई बात ही नहीं आती। हम चेक करेंगे एंड पॉइंट्स पे जहां पे ब्रांचेस ब्रेक हो रही है। तो 0 पे चेक करा सपोज, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम चेक करेंगे, क्या जाएगा? x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव fx। 0 नेगेटिव मींस 0 से जस्ट कम वैल्यू लेनी। ठीक है, 0 से जस्ट कम वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? -1। तो -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट का कोई असर पड़ेगा नहीं, तो LHL कितनी आ जाएगी? -1। इसी तरीके से फिर RHL निकालेंगे, तो RHL को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx। 0 प्लस मींस 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू किस ब्रांच में डिफाइन है? इस पर्टिकुलर ब्रांच में। और फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा है? 0। तो 0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस वजह से लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो
जब LHL RHL के इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? जीरो पे है। इसी तरीके से आप किसी और इंटीजर पे भी चेक करोगे तो फंक्शन कैसा आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। और इंटीजर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो इस वजह से कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी आई? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? एक आपको फंक्शन दिया हुआ है और एक्स इक्वल्स टू वन पे आपको उस फंक्शन का नेचर पूछा गया है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा, और वन पे उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो वन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? वन के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन आएगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है? 3x प्लस 2, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ गया? 5। तो 1 पे तो फंक्शन डिफाइन है और उसकी वैल्यू कितनी ले रहा है वो? 5। अब चेक करेंगे कंटिन्यूटी के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को जब चेक करेंगे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स। अब कौन सा पॉइंट लिया जाएगा? क्योंकि वो हमसे x इक्वल्स टू 1 की बात करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम लिमिट लेंगे x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस, मतलब 1 से जस्ट छोटी वैल्यू पे वो किस तरीके की वैल्यू ले रहा है फंक्शन की। तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ऊपर या नीचे? तो x लेस देन 1 नीचे वाले फंक्शन में दे रखा है, इसलिए फंक्शन वैल्यू क्या लेगा? 5। तो 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट का कोई असर पड़ेगा नहीं, तो LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इसी तरीके से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस fx। 1 प्लस का क्या मतलब है? 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू। x की 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू किस फंक्शन में आ रही है? इस फंक्शन में। ठीक है, तो fx की वैल्यू कितनी हो गई? 3x प्लस 2। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस 3x प्लस 2। जब लिमिट को पुट करोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो हमने इस केस में देखा कि RHL LHL के इक्वल है और यही वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे थे, और वैल्यू कितनी है? 5। इस वजह से ये पर्टिकुलर फंक्शन कैसा हो गया? 1 पे कंटिन्यूअस हो गया, और 1 पे वैल्यू भी डिफाइन है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इस वजह से 1 पे कंटिन्यूअस भी है और f1 की वैल्यू 5 भी आ रही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। हमें चार फंक्शंस दिए गए हैं ऑप्शंस में, और हमसे पूछा गया है कि ओरिजिन पे इनमें से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है साइन एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम पूरे आर में कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, और बाकी के जो टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस वजह से साइन एक्स के डोमेन में जीरो वैल्यू आती है, तो इस वजह से साइन एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पर? ओरिजिन पे। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस। एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो भी हमेशा कंटिन्यूअस है, आप सब जानते हो। तो ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस। अब है एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स अगर आप ग्राफ नहीं जानते तो आप इसको LHL और RHL से भी ही चेक कर सकते हो। ठीक है, LHL क्या है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे चेक करना है, तो x की वैल्यू ओरिजिन पे कितनी होती है? जीरो। फंक्शन क्या गिवन है? x साइन x। लिमिट पुट करोगे तो LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। इसी तरीके से जब RHL निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो पे कितनी आ जाएगी? जीरो। तो तीनों वैल्यूज इक्वल है, इस वजह से फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पे? जीरो पे, यानी कि ओरिजिन पे।
तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस आ गया। और अगर आप ग्राफ से देखना चाहो तो एक्स साइन एक्स का कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये वाली लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स और इसके अंदर ओसिलेशन होते हैं, ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ बनता है। यहाँ पे आते आते थोड़ा सा ओसिलेशन ज्यादा होगा ओरिजिन का, लेकिन फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक तो है नहीं कर्व में, तो इस वजह से ये क्या हो गया कर्व y इक्वल टू एक्स साइन एक्स का फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूअस। उसने पूछा था नॉट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी कैसा हो गया नॉट कंटिन्यूअस। कैसे? क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स तो हमने पढ़ा है कि वन होती है, ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, और अगर नहीं भी पढ़ा तो एल हॉस्पिटल रूल से अपन निकाल सकते हैं, पहले न्यूमिरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और लिमिट पुट कर दो, तो भी वैल्यू वन आ गई, ठीक है। तो इसकी लिमिट तो वन आ गई लेकिन फंक्शन की वैल्यू जीरो पे एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो एफ जीरो क्या है नॉट डिफाइंड। एफ जीरो जब नॉट डिफाइंड है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? नहीं होगा, इस वजह से साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x-8 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और 2k इफ x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। आपको ये इस तरीके का कोई फंक्शन गिवन है और हमसे बोला गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो 5 k की वैल्यू क्या होगी। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अपनी लिमिट के इक्वल होगी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर सकते हैं। पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचएल लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5-, अब यहाँ पे एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5 क्यों बोला, क्योंकि 5 पे हमारा फंक्शन ब्रेक किया गया है, 5 के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर मान लो एक्स लेस देन 5 है तो हमारा फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। इसी तरीके से x ग्रेटर देन 5 पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट। 2 के k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ही तो है इस फंक्शन के लिए, तो इस वजह से ये कैसा हो गया कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। कॉन्स्टेंट फंक्शन भी एक तरीके का पॉलिनोमियल ही है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये भी क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया हमेशा। अब हमें 5 पे दिक्कत आ रही है क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है, अगर इन दोनों ने एक इक्वल वैल्यू नहीं ली तो हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, तो इस वजह से हम 5 पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे कितनी आ रही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5-, 5-, मतलब 5 से जस्ट कम वैल्यू पे कौन सा फंक्शन लेंगे, 3x-8। तो जब आप लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5-8 15-8 7 और राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5+fx, 5+ मतलब 5 से ज्यादा, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 2k, 2k क्या है कांस्टेंट, तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2k वैल्यू आ गई। अब हमारे फंक्शन को कंटिन्यूअस दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा LHL RHL के इक्वल है, ठीक है, LHL RHL के इक्वल है, तो LHL कितना है 7 और RHL कितना है 2k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 7/2, ठीक है। उसने हमसे k की वैल्यू ही पूछी थी तो वैल्यू क्या आ गई 7/2, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और पूछा क्या गया है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस किस पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। एक चीज सोचो, इसने 3 ब्रांच बनाई है, तीनों ब्रांच में किस तरीके के फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स है, तो वो ब्रांच पॉइंट के अलावा कहीं भी डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ब्रांच ब्रेक हुई है, सिर्फ वही पॉइंट्स जैसे बचते हैं जो हमें चेक करने हैं कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, एक तो 1 है और एक है 2, तो पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1-fx, कौन सा फंक्शन उठाएंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, क्या है फंक्शन x+2, लिमिट पुट करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसी तरीके से
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन प्लस, वन से जस्ट ज्यादा वैल्यू लेनी है, फंक्शन कौन सा लेंगे, सेकेंड नंबर जो फंक्शन है बीच में एक्स माइनस टू, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पर, वन पर, ठीक है, तो वन पे तो कंटिन्यूअस नहीं है, अब चेक करेंगे टू पे, एट एक्स इक्वल टू टू पे, टू पे पहले एल एच एल देखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स टू माइनस एफ एक्स, टू माइनस मीन्स टू से जस्ट कम वैल्यू पे, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, बीच वाला जो हमने वन प्लस के लिए लिया था सेम फंक्शन है दोनों के लिए, वैल्यू आ गई एक्स माइनस टू, वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो एल एच एल की, ठीक है। अब आर एच एल की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स टू प्लस एफ एक्स, दो से ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट हो रही है, और वैल्यू कितनी है फंक्शन की, जीरो, तो ये लिमिट भी कितनी आ गई, जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू टू पे कितनी आ रही है, तो टू पे क्या रखेंगे, ये पर्टिकुलर फंक्शन लेंगे हम, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, और वही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, और कितनी वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू पे, टू पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन वन पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इस वजह से कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सिर्फ एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू वन, तो ऑप्शन थ्री हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है और आपसे डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तीनों चीज पूछ ली गई है, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है। फंक्शन फिर से लिख देता हूं मैं, अगर आपको इन केस दिख नहीं रहा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मोड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशियबिलिटी की हम बात ही नहीं करेंगे, ये चीज आप सब जानते हैं कि कंटिन्यूटी, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव होने के बाद ही हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करते, लेकिन उसके रिवर्स में जब अगर फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाता है तो फंक्शन की क्या हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, नहीं। अगर क्वेश्चन ने दे रखा है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, भी वो डिफरेंशियबल हो पाए, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशियबल नहीं, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो गारंटी भी नहीं करेगा कि वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशियबल है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए लेकिन डिफरेंशियबल ना हो। एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए वो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, मॉड एक्स का अगर आप सबने देखा है मॉड्यूलस का कर्व, इस तरीके का कुछ कर्व बनता है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है, किस पॉइंट पर, जीरो पर। क्यों डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि शार्प एज बन रही है जीरो पर, इस तरीके के कर्व डिफरेंशियबल नहीं होते जिस पॉइंट पर उसकी शार्प एज बन रही होती, ठीक है। तो खैर हम क्वेश्चन की तरफ वापिस आते हैं, क्वेश्चन हमको गिवन है तो हम पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब एक चीज बताओ, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स, तो मॉड एक्स को हम ब्रेक करेंगे, एक्स जब जीरो से बड़ा होगा तो मॉड एक्स कैसी वैल्यू लेगा, पॉजिटिव, और अगर एक्स जीरो से छोटा हुआ तो मॉड एक्स कैसी वैल्यू लेगा, नेगेटिव, मतलब माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स लेस देन जीरो होगी तो न्यूमिरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में मॉड एक्स की जगह क्या जाएगा, माइनस एक्स, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या फंक्शन बना हमारा, माइनस एक्स फंक्शन बन गया। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू जीरो पे हमको गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, जीरो हो रही है। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन की हम क्या वैल्यू लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन
मॉड एक्स की कैसी वैल्यूज आती है, ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव वैल्यूज आती है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम एक तो एल एच एल एक आर एच एल, और फंक्शन की वैल्यू तो जीरो पे हमें गिवन ही है कि जीरो है यहां से। ठीक है, तो एल एच एल जब चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो नेगेटिव एफ एक्स, जीरो माइनस यानी कि जीरो से जस्ट कम वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है, तो एफ एक्स की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एल एच एल कितना आ जाएगा, जीरो। इसी तरीके से फिर निकालेंगे आर एच एल, क्या आ जाएगा, एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो प्लस जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या है, एक्स, तो एक्स जब लिमिट पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा जीरो। एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, तीनों वैल्यूज क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो इस वजह से फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया, अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन की। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो निकालेंगे एल एच डी, किस तरीके से निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। ए पॉइंट क्या रहता है, ए पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो अभी हमें किस पॉइंट पर चेक करनी है, जीरो पर, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, एफ जीरो की वैल्यू पहले से हमें गिवन है कितनी है, जीरो, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स, तो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ माइनस एच क्या आएगा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच इंटू, एक नीचे से माइनस एच पहले से गिवन है डिनोमिनेटर में, तो वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एच स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ एच स्क्वायर, तो क्या आ गई वैल्यू लिमिट की, माइनस वन आ गई। इसी तरीके से हम चेक करेंगे आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या होता है फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो हुई तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू हमने चेक की है कि वो जीरो है, तो उसको लिखेंगे नहीं, तो एफ एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो। अब एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स, तो एफ एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन मॉड एच, और डिनोमिनेटर में एक एच पहले से गिवन है। ठीक है, तो जब हम कट करेंगे एच को तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वन। तो एल एच डी तो हमारा आया माइनस वन, और आर एच डी यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव आया हमारा प्लस वन, तो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि जीरो पे ही तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे थे, तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि हमारा फंक्शन क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है कहां पर, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर। जनरली सीयूटी में आज तक इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सीयूटी के पेपर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड थे, तो ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। बेसिकली आपको लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए, लिमिट सॉल्व करने में आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, उससे ये पूरा चैप्टर बहुत बहुत आसान हो सकता है, और काफी स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इसका रिविजन करें, क्वेश्चंस करें, और आप हमारे कोचिंग के साथ भी जुड़ सकते हैं, समर्थ एग्जाम प्रेप के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।